विकास के नाम पर एक दशक से अलग राज्य में भरा हमारा झारखंड अनिश्चितता और अनियमितताओं का केंद्र बनकर रह गया। इसका जीवंत बाणगी यह है कि एक ओर हमारे देवगढ़ जिला का डड़वा नदी का ध्वस्त पुल राजनीतिक पहल और प्रशासनिक सक्रियता की वजह से महज 3 महीने में बनकर तैयार हो गया, वहीं दूसरी ओर उसी जिला के सलैया स्थित बकुलिया पुल पिछले 6 वर्षों से ध्वस्त पड़ा अपने तथा इस क्षेत्र के लोगों के बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पुल के टूटने से हम लोग को तो जाने आने में काफ़ी परेशानी होती है। हम तो यहाँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में हैं, हमको तो होती ही है, बाकी गांव वाले को भी कहीं हॉस्पिटल भी जाना रहता है रात बेरात को, तो और ही भी परेशानी बढ़ जाता है। दिन में तो लोग किसी तरह पार कर जाता है, लेकिन रात के लिए तो समस्या हो जाता है। इस पुल के टूट जाने से आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। विद्यार्थी जो जाते हैं विद्यालय, जाने आने में काफ़ी कठिनाई होती है। मरीजों को आए दिन हॉस्पिटल जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। बरसात के दिनों में काफ़ी कठिनाई होती है पानी बढ़ जाने से। पिछले साल जो है एक ठेले वाले जा रहे थे, एकाएक पानी की धारा बहुत पानी बढ़ गई और वो ठेले वाले बह गए, उसकी लाश जो है कुछ दूर पानी में जा करके मिला। ये तो बुरा हाल है। अगर ये पुल रहता तो शायद वो आदमी का इस तरह का मौत नहीं होता, आसानी से वो पार कर जाते ठेला लेकर के, इसके कारण बेचारे के जान चला गया। झारखंड खनिज संपदा के मामले में देश का सबसे धनी राज्य है, बावजूद इसके आम लोग की स्थिति आपने देखी है। जाहिर है कि यह के जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ खामी तो जरूर है, जिस वजह से विकास की रोशनी सुदूर ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पा रही। मैं मुख्य सचिव झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हट के लिए।